Hey guys, welcome back to another video. आज की जो वीडियो है काफी खास होने वाली है क्योंकि आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अपना न्यू गिटार जो कि मैंने procraftindia.com से खरीदा है और इस वेबसाइट पर मुझे बहुत अच्छी डील मिली है और ये जो गिटार है इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ये मुझे उससे बहुत ही कम कीमत पर मिला है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है और बहुत अच्छी अच्छी डील्स अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो इसी सेल के चलते ये गिटार मुझे बहुत अच्छी डील के साथ मिला है और ये डील आप भी ग्रैब कर सकते हो। कैसे? इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा, वीडियो स्किप मत करना क्योंकि हो सकता है आपको इम्पोर्टेंट पार्ट स्किप कर दो। तो काफ़ी लंबे टाइम से मैं गिटार सर्च कर रहा था जो कि एक अच्छे बजट में आता हो और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा हो और सीखने के पर्पज से ये गिटार जो है एकदम परफेक्ट है। कैसे? इसके फीचर्स वगैरह सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने ये गिटार ऑर्डर करने से पहले प्रोक्राफ्ट इंडिया से बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि सर अगर आप गिटार परचेस कर रहे हैं या इसके अलावा कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट परचेस कर रहे हैं तो अनबॉक्सिंग करते समय आपको उसकी वीडियो बनानी पड़ेगी और जो वीडियो आप बनाएंगे वो आप हमें शेयर कीजिए, हम उसे देखेंगे, चेक करेंगे। अगर उस वीडियो के अंदर हमें कोई ऐसी मेजर इशू मिलती है तो हम उसको एज सून एज पॉसिबल रिप्लेसमेंट कराएंगे और जो पिकअप होता है कंपनी की तरफ से ही होता है तो इसमें हमारा काफ़ी खर्चा बच जाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अनबॉक्स करता हूँ गिटार को और आपको साउंड चेक करके दिखाता हूँ कि गिटार कैसा साउंड करता है, कैसा लुक है और क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिल जाए। अच्छा, एक बात मुझे याद आई है, जब आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो ऑनलाइन तो उसकी जो पैकिंग रहती है, जो कार्टन बॉक्स रहता है, आप उसे फेंकना मत, क्योंकि अगर मान लो किसी भी चीज़ की 10 या 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है तो एटलीस्ट 15 दिन तक आप उसकी जो पैकेजिंग होती है उसको संभाल के रखो। इनकेस अगर कुछ आपको इशू फेस होता है तो आप उसको उसी में पैक करके कंपनी को वापस भेज सकते हो। तो ये चीज़ याद रखना वाली है। ये हमारा बॉक्स आ गया, काफ़ी बड़ा बॉक्स है, इसे मैं एक बार साइड रखता हूँ। कार्टन्स के रोल लगाए हुए थे ताकि गिटार के बॉक्स को सपोर्ट मिले और ये कुछ पॉलिथीन बैग्स। चलो, पैकेजिंग तो अच्छी करके दी है डबल बॉक्सेस में। बॉक्स में आती है स्ट्रिंग्स गिटार की और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और इसे मैं यूज़ करूँगा। साथ ही इसमें एक मिलती है योर फर्स्ट गिटार बुक एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए, इसे भी पढ़ लूँगा, मे बी कुछ अच्छा ज्ञान मिल जाए। ये पाउच है जिसमें काफ़ी एक्सेसरीज हमको मिलती हैं। सबसे पहले इसमें हमें मिलती है एक प्रीमियम गिटार केबल जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और मे बी इसका जो प्राइस अगर आप मार्केट में लेने चाहते हो तो 600-700 रुपये का तो होगा। और ओवरऑल जो केबल की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। इसमें आपको ये स्ट्रैप मिलता है तो स्ट्रैप के थ्रू आप इस केबल को इजीली मैनेज कर सकते हो और स्ट्रैप की भी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, तो मज़ा आ गया देख के। तो इसमें आपका जो वायर का खर्चा है वो भी बच गया और हमें इसमें मिलता है एक ये ट्रिमेलो आर्म है गिटार का और वाह एक क्रोम ट्यूनर है, इससे आप यूकुलेले बेस गिटार अकूस्टिक गिटार भी ट्यून कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, ये जो ट्यूनर का प्राइस होगा अराउंड कम से कम 1000 रुपये के आसपास होगा। साथ ही में आपको मिलता है एक क्लीनिंग क्लॉथ गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं उन्हें क्लीन करने के लिए। अरे वाह, काफ़ी क्यूट सी पैकिंग है और गिटार फिक्स हमारे पास और ये है एलन की गिटार की जो ट्रस रॉड होती है उसे एडजस्ट करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस एलन की के थ्रू गिटार का जो एक्शन होता है स्ट्रिंग्स का उसको हाई या लो पर बैलेंस करके एडजस्ट कर सकते हो। तो जल्दी से इन्हें साइड रख देता हूँ, अब मेन अपना गिटार ओपन करते हैं। मज़ा आ गया यार, जो बैक की क्वालिटी है बहुत अच्छी है और 12 mm पैडेड है ये
और एज अ बिगिनर अगर आप इस गिटार को परचेज करते हैं तो बैक की जो क्वालिटी है A1 मिलेगी आपको, इजीली आप इसको लेकर कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्दी से देख लेते हैं गिटार, हियर इट इज। Oh my God, seriously यार, बढ़िया फिनिशिंग है यार इसकी। So that to be honest, मैं आपको बताऊं तो बहुत प्यारी क्वालिटी है गिटार की, एकदम प्रीमियम फील होता है। ऐसा नहीं लगता कि ये जो गिटार है कोई सस्ता वाला गिटार है। जो इसकी फील है, राज म्यूजिकल्स पे एम्पलीफायर लेने गया था अपने गिटार के लिए, और वहाँ पर मैंने यामाहा का पैसिफिका गिटार प्ले किया था, और उसकी जो क्वालिटी थी ना, मुझे सेम उसकी याद आ रही है गिटार की यार। और ये जो गिटार है, लुक वाइज और कलर वाइज जो है, फेंडर की एक सीरीज है, एफिनिटी सीरीज, उसके उसके साथ मेल खाता है, सेम उसके जैसा दिखता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस गिटार की बॉडी का ओवरव्यू दे देता हूँ। जो इस गिटार का नेक है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और ये मॉडर्न सी शेप का बना हुआ है, और इसका जो हेड स्टॉक है, आप देख पा रहे हो, ये कुछ कुछ नाइफ के जैसा लगता है, सीरियसली। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो गिटार है इसका फ्रेट वर्क बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और यूज़ करने में ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और इसकी जो ट्यूनिंग कीज आप देख पा रहे होंगे, ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग कीज है मैग्ना के ही इनबिल्ट। और इसका जो नेक है, ये पीछे बोल्ट ऑन मैपल नेक है। अगर इन फ्यूचर आप गिटार परचेज करते हो और ये नेक खराब हो जाता है, ये टूट जाता है, तो आप इस नेक को रिप्लेस करवा के नया नेक लगवा सकते हो, मार्केट से इजीली मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं बात करूँ पिकअप्स की, तो ये हम्बकर पिकअप है, एक सिंगल पिकअप है, एक सिंगल पिकअप है, यानी कि दो सिंगल पिकअप हो गई, एक हम्बकर, ठीक है। और जो ब्रिज है, इसमें ट्रिमेलो भी अवेलेबल है। इसमें एक वॉल्यूम नॉब आपको मिलता है और दो टोन नॉब आपको मिलते हैं, और 5-way पिकअप सिलेक्टर भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो स्ट्रिंग्स हैं, ये 9x42 गेज की आपको मिलती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये जो गिटार की स्ट्रिंग्स हैं, ये रस्टेड हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी ये जो स्ट्रिंग्स हैं थोड़े दिन चल सकती हैं, और जो साथ में स्ट्रिंग्स फ्री मिली हैं तो मैं उनको यूज़ करूँगा। और ये जो डिज़ाइन है गिटार का, ये स्टेटोकास्टर डिज़ाइन है, और इसी सेम कलर में अगर आप टेलीकास्टर गिटार देख रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है प्रोक्राफ्ट इंडिया पे, इसी सेम कंपनी का फिंगर बोर्ड, ये मैपल वुड का है और काफ़ी स्मूथ है। और अगर मैं बात करूँ उसके फ्रेट्स की, तो टोटल इसमें 22 फ्रेट्स हैं, और इसमें ट्रस रॉड भी अवेलेबल है, जो कि डुअल एक्शन ट्रस रॉड है। यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा एक होल है, जहाँ पर आप एलन की का यूज़ करके ट्रस रॉड को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये डुअल एक्शन ट्रस रॉड है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये जो गिटार की बॉडी है, ये बेस वुड की बनी है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए साउंड चेक कर लेता हूँ और आपको सुनाता हूँ ये गिटार कैसा साउंड करता है। तो आई थिंक इसका जो टोन है वो पूरा खुला हुआ है। जो नेक पिकअप है, मैंने इस पर इसे सिलेक्ट किया है, और अभी आपको डिफरेंस पता लगा होगा। तो पहला जो टोन नॉब है, ये काम कर रहा है, सेकंड वाला भी हम चेक कर लेते हैं।
इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, इसका जो फ्रेट वर्क है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो उसमें हम बेंडिंग करते हैं जैसे कि तो बेंडिंग बहुत अच्छे से हो रही है जो कि बहुत अच्छी बात है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, फ्रेट वर्क बहुत अच्छा है, जो जो इनलेज होते हैं ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके। सो गाइस, ओवरऑल ये गिटार मुझे बहुत पसंद आया है, और साउंड वाइज अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्लीन क्रंच डिस्टॉर्शन मैंने प्ले किया, आपने सुना भी, तो आपको सुनकर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कुछ भी आपका सुझाव हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, तो मैं आपकी जो भी कमेंट्स होंगे मैं उनका जवाब दूंगा। वैसे तो मैं 5 साल से एकॉस्टिक गिटार प्ले कर रहा हूँ, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक गिटार मूव करना चाह रहा हूँ, और एज अ इलेक्ट्रिक गिटार प्लेयर मैं अभी बिगिनर हूँ, तो बिगिनर लेवल के हिसाब से मैंने एक गिटार परचेज किया है। एक्चुअली मैंने एक और गिटार देखा था अपने लिए इससे पहले, जो कि आईबनेज़ का GRG 131 है, काफ़ी वर्सेटाइल गिटार है, बहुत अच्छा लुक है और काफ़ी एग्रेसिव दिखता है, तो मैंने उसका रेड और ब्लैक कलर चेक किया था, आप चाहो तो गूगल पे चेक कर सकते हो। तो ये गिटार मुझे लेना था, तो मैंने काफ़ी दोस्तों से सजेशन लिया, काफ़ी इंटरनेट पे मैंने रिसर्च किया, तो मुझे ओवरऑल यही सजेशन मिला कि आप एक नॉर्मल गिटार परचेज करो जो कि बजट फ्रेंडली हो, फिंगर्स की जो मसल प्रैक्टिस होती है अगर वो एक बार आपकी क्लियर हो जाती है देन उसके बाद आप प्ले करना आसानी से सीख जाते हो, देन आप अच्छे गिटार पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मसल मेमोरी को बिल्ड करना है, देन उसके बाद साउंड कैसा करता है, कैसा लुक है, वो सब बात की बातें हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना मैं एक नॉर्मल गिटार परचेज करूँ, साथ ही साथ जो बचे हुए पैसे हैं वो मैं एक एम्पलीफायर में इन्वेस्ट करूँ। तो जो एम्पलीफायर मैंने परचेज किया है वो है ब्लैक स्टार का ID Core V3, काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है, और अभी उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं लेकर आने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जब गिटार लॉन्च हुआ था इसका जो लॉन्चिंग प्राइस था वो 10,500 रुपये था, और जब ये वेबसाइट पे प्रोग्राट इंडिया पे लिस्टेड हुआ था तब इसका प्राइस था 8,900 रुपये, ठीक है। और इसमें 3 कलर आते हैं, एक ये है सनबर्स्ट मैपल, एक इसी में सनबर्स्ट सेम कलर है, उसका जो ये फ्रेट बोर्ड है वो रोजवुड का होता है, और एक इसमें लेक प्लेसिड ब्लू, वो भी मैपल वुड का बना हुआ है। तो मैं वैसे ब्लू कलर के लिए जाने वाला था, लेकिन वो जो गिटार है वो 2-3 महीने से आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर मुझे यही कलर लेना पड़ा, एक्चुअली मुझे सीखने के पर्पज़ से लेना था, तो कलर इतना मैटर नहीं करता है, बस एक लुक की बात होती है। मुझे पड़ा है डिस्काउंट के बाद में 7743 रुपीज़ का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोमो कोड अवेलेबल करा दूंगा, जो प्रोक्राफ्ट है उसकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। अभी क्या है, दिवाली का सीजन चल रहा है, जो सेल है वो 30 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी गई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी अच्छा मौका है, अभी आज दिवाली का दिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ अगर आप लेना चाह रहे हो तो अभी जाकर के ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि 30 तारीख के बाद में हो सकता है इस गिटार के प्राइस जो है वो बढ़ जाए, और ऑब्वियस सी बात है कि सेल खत्म होने के बाद में इसके प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, वीडियो अच्छी लगी है, रिव्यू मेरा अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जिन भी लोगों को गिटार चाहिए होगा,
उनके साथ शेयर करना, मे बी उनकी हेल्प हो जाएगी। और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।